हाय गाइस, मैं क्वारंटाइन में हूँ और उम्मीद है आप भी अब तक क्वारंटाइन में ही होंगे सब। तो इस वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, वो हो चुका, पिछली 2 वीडियोस उस पर हो गई, वो आप उधर जाके देख लें। और क्योंकि मैं अपने रूम में हूँ, आप कहते होंगे पीछे सारा इसी तरह रहता है, मैं अपने रूम में हूँ, क्वारंटाइन चल रहा है और ये सब इसी तरह चलना है। तो क्वारंटाइन एंड होने तक आपको मुझे इस तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप बर्दाश्त करना नहीं चाहते तो सब्सक्राइब ना करें, वरना बेशक कर लें। और लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियो होगी उसमें कोई ऐसी चुस्त किस्म की बात नहीं होगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ही जा रही होगी। तो एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है, ताकि अभी तक जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर टारगेटेड ऑडियंस को नहीं है तो वो ना देखें, बाद में ये ना कहें हाँ भी टाइम ज़ाया किया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी या तो अपने हाई स्कूल मतलब उन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया है, या फिर उनके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, अभी आगे यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, मतलब वो वाला फेज़ है जिसमें आपने ये डिसाइड करना होता है कि हमने आगे करना क्या है, जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज पाई जाती हैं कि कौन बताएगा क्या करना है, या पेरेंट्स बताएंगे कि बच्चा खुद डिसाइड करेगा, कोई किसी को पता नहीं होता कि उसने क्या करना है। अब इनमें कितनी तरह के लोग होते हैं, इसमें बेसिकली 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि उनका पैशन क्या है, और मोस्टली वो होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, वो होते हैं नॉन पैशन लोग, मतलब उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है, बस वो अभी तक पढ़े जा रहे होते हैं। हर कोई कर रहा होता है ना सब कुछ, इसलिए वो भी कर रहे होते हैं। चलो, जो पैशन वाले होते हैं चलें उनके लिए तो बेहतर है। अब मेरा बेसिकली मतलब ये इसमें आपके लिए लेसन ये होगा कि इस टाइम को किस तरह यूज़ करना है आपने, जो आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन में और आपको इंटर के एग्ज़ाम से पहले पहले ये वाला टाइम फेज़ मिल गया है, क्योंकि ये फेज़ सब लोगों को नहीं मिलता होता। तो आपने इसमें पैनिक नहीं होना कि हाँ हमारे एडमिशन लेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। ये टाइम आप अपना उस चीज़ पर लगाएं कि हाँ मैं अपनी ज़िंदगी के साथ आगे करना क्या चाहता हूँ। बहुत बड़ा लफ्ज़ मैंने बोल दिया, लेकिन इतना ज़्यादा तो आप लोग नहीं सोच पाएंगे, हम भी नहीं सोच पाए थे, हमने भी कुछ नहीं सोचा था, बस सीधा हाँ इंजीनियरिंग करनी कर ली इंजीनियरिंग। तो जो लोग पैशन वाले होते हैं उनके लिए तो ये टाइम वो है कि वो लोग ये सोचें कि अपने पैशन को उन्होंने किस तरह प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके लिए उन्होंने कौन सा पाथ चूज़ करना है, ठीक है, उस पर रिसर्च करें। अगर किसी आइडिया, कोई आपका आइडियल है, किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी एफर्ट्स देखें, और सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ उनकी एफर्ट्स नहीं देखनी, उनकी आपने फेलियर्स भी देखने कि उसमें कितनी बार लुढ़के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेरे जैसे नॉन पैशन लोग, जो बस अभी तक सब कुछ करे जा रहे हैं, ठीक है। उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि, और एक और तरह के भी लोग आजकल चल रहे हैं, जो कहते हैं कि हमने यूट्यूबर बनना है। देखें यूट्यूबर, आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जाके देख लें, जैसे कि जो मुझे अच्छे लगते हैं उसमें से एक मोरू, सही है, उस बंदे का आप काम देखें, उसने वो जो कर रहा है उसने वो पढ़ा हुआ है और वो उसमें बेस्ट है, इसलिए वो कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर कोई और यूट्यूबर्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो कोई किसी सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, कोई ना कोई सोशल कॉज कर रहे हैं जिसके लिए वो यूट्यूबिंग का सहारा ले रहे हैं, ठीक है। वरना ऐसे ही कोई उठ के खड़ा नहीं हो गया कि मैंने यूट्यूबर बनना तो मैं यूट्यूबर बन जाऊँगा। मुझे भी ऐसा ना कहिएगा कि हाँ भाई ये यूट्यूबर बनना चाह रहा है, कोई मसला नहीं, सिर्फ क्वारंटाइन की वजह से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, सही। तो उसके बाद जो नॉन पैशन लोग हैं, अब नॉन पैशन लोगों का सबसे बड़ा ये होता है कि हाँ भी अब करें क्या। अब ये लोग, इन लोगों ने अपने जब इंटर करना था उसके लिए कुछ लोग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक वो जिन्होंने बायोलॉजी रख ली, एक वो इन्होंने कंप्यूटर साइंस रख ली, तीसरे किस्म के भी होते हैं जो मेरे वाले होते हैं, जिन्होंने रखी बायो होती है लेकिन पता होता है आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर नहीं बनना, सही है। तो नहीं, ये होता है मैट्रिक में। अब आती है प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की बात, प्री मेडिकल वाले आ गए, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल। अब प्री मेडिकल वाले जो होते हैं ना, वो एक तरह से बेहतर होते हैं कि उनको ये पता होता है कि हाँ भी बनना हमने डॉक्टर ही है, ठीक है। अब इसमें भी एक तरह की चीज़ ये आ जाती है कि आजकल हमारे पाकिस्तान में, आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में कितने को मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्री मेडिकल लिया है और वो आगे अब एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वही सारे उसी प्रोसीजर से गुजरेंगे, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एंट्री टेस्ट की अटैम्प्ट ज़रूर दें, तैयारी भी करें, अटैम्प्ट ज़रूर दें।
अगर आप एंट्री टेस्ट में अल्लाह ना करे नहीं कर पाते, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी से अपने माइंड में रखें कि मेरा अगर मेडिकल में एडमिशन ना हुआ तो मैंने डॉक्टर बनने के अलावा मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। हज़ारों फील्ड्स हैं, आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के अलावा फूड साइंसेज है, फूड साइंस के अलावा माइक्रोबायोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, हज़ार किस्म की चीज़ें हैं जिसमें इस टाइम डॉक्टर से ज़्यादा ऊपर रिसर्च में जा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को कंसिडर करें। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं जो लोग शुरू से कंप्यूटर रख लेते हैं, कंप्यूटर, अब आगे क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर। तो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का टाइम आता है तो कोई पता नहीं होता कौन सी इंजीनियरिंग करनी है। जैसे कि अच्छा मेरी मिसाल ले लें, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों की, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इलेक्ट्रिकल वो फिज़िक्स में मुझे करंट की समझ नहीं आती थी कि जाता इस तरफ है, डायरेक्शन इस तरफ लेते हैं, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैकेनिकल कर ली, इलेक्ट्रिकल नहीं की, सिर्फ इस चीज़ पे चूज़ कर ली। नहीं, ये ना करें, मेहरबानी ये ना करें। अब इस टाइम पे क्योंकि आजकल ये सीन है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पाकिस्तान और पूरी दुनिया से, अगर आप पाकिस्तान तक की बात करें, चलें उधर आजकल ठीक है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अभी भी चल रहा है, सही है, लेकिन वो लोग सब आगे जाके करते हैं बाद में मैनेजमेंट ही है, सही है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ख़ास तौर पे एज अ फील्ड आपने अगर बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में इंडस्ट्री रोल में जाना है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। आजकल जो फील्ड्स आ रही हैं उनको रिसर्च करना शुरू करें। अगर उसमें मैं इधर बैठ, मेरा आपको बताने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको फील्ड्स बताऊं या फिर यूनिवर्सिटीज़ बताऊं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, कौन सी फील्ड में जाएं। मेरा मकसद ये है कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए आप वो लोग जिनको अभी नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, वो लोग क्या करें, वो लोग रिसर्च करें, वो लोग अपना नॉलेज बढ़ाएं इस टाइम पर कि हमें दुनिया में क्या चल रहा है। आपके पास गूगल, आप सबके पास है, इंटरनेट पर रिसर्च करें कि इस टाइम पर टॉप ट्रेंडिंग जो स्टार्टअप्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टअप का दौर है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाए, एंटरप्रेन्योर बनना कोई आसान काम नहीं है, उसको जॉब वाले से ज़्यादा ही काम करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप ये रिसर्च करें कि आजकल टॉप ट्रेंडिंग स्टार्टअप्स कौन से हैं और वो किन फील्ड्स में हैं। जब आपको ये आइडिया हो जाएगा ना कि वो किन फील्ड्स में हैं, तो आपको एक आपके जहन में एक इमेज बनने लग जाएगा कि हाँ दुनिया किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस वक्त इंडस्ट्री 3.0 पे भी मुश्किल से है, लेकिन दुनिया की इंडस्ट्री 4.0 पे जा रही है, जिसमें बहुत सी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और मशीन लर्निंग से आ रही हैं जो अभी तक पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो आपने बेसिकली अभी जो डिसाइड करना है करने का, वो आज से 5-6 साल बाद क्या डिसाइड करना है, ताकि जब आप इंडस्ट्री अब आप यूनिवर्सिटी से वो चीज़ करके निकलें जो इंडस्ट्री में उस वक्त चल रही हो। ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कर ली और फिर आप जब उस वक्त जब आप इंडस्ट्री में आएंगे तो वो चीज़ आपको पता चली जी ये तो एक्सटेंट होगी, अब मुझे मैनेजमेंट की डिग्री करनी पड़ेगी या मुझे क्या कहते हैं एआई की डिग्री करनी पड़ेगी ताकि मुझे कोई अच्छा पाथ मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप अभी रिसर्च करें, अभी रिसर्च करेंगे तो आपके आगे के लिए फ़ायदा होगा। मुझे पता है कि इस सिचुएशन में किसी को लोग ये समझ रहे होते हैं कि अभी इंटर तो कर लें, अभी ये तो कर लें, फिर देखी जाएगी बाद में क्या होगा, लेकिन वो बात कभी नहीं आती। ये टाइम आपके लिए प्रेशियस है जो आपको मिल गया, ठीक है, ये टाइम हर किसी को नहीं मिलता। इस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके इस चीज़ को अपने अंदर लाएँ कि हाँ मैं अगर इस फील्ड में जाऊँगा तो मैं बेहतर हो सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक और बात ये कि मोस्टली हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में यही होता है कि लोग जो एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया लेकिन अभी तक वो रहता बच्चा ही है, उसने अभी तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया, पीछे देने के बाद क्या उसने अपने ऊपर भी 1 रुपया कमा के नहीं लगाया, सही है। मैं ये पेरेंट्स से भी कहूँगा और उन ग्रेजुएट से उन स्टूडेंट से भी कहूँगा जो अभी इंटर से आगे यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं कि थिंक अबाउट समथिंग कि जिससे आप अर्न कर सकें, जिससे आप कोई अर्निंग ले सकें। आपकी कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स जो आपको पॉकेट मनी देते हैं उनसे नहीं पूरी कर सकते, तो उन ख्वाहिशात को मारने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचें कि इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मैं कहाँ से अर्न कर सकता हूँ। आजकल हज़ार तरीके हैं अर्निंग के,
नेट इंटरनेट आपके पास है, आपके पास गूगल है, आपके पास हर चीज़ है, गूगल करें जो चीज़ है, गूगल करें कि हाँ मैं किस तरह अर्निंग कर सकता हूँ, आपको तरीके मिलेंगे। सिर्फ नियत ये कर लें कि आपने अपनी पॉकेट मनी इंक्रीज़ करके वो ख्वाहिशात पूरी करनी है जो आप अपने पेरेंट्स की दी हुई पॉकेट मनी से नहीं कर सकते, तो आप ज़रूर एक दिन वो चीज़ें पूरी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में।